तो हम बात करेंगे कि कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2.4। अब जो ऑक्टेट थ्योरी है बच्चों, ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि लास्ट शेल में, किसी भी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और एक्सेप्शन भी बताती है कि भाई साहब अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो पाए तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। तो आखिरी शेल में भैया किसी भी एटम के या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन का देखो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास पहला ऑप्शन ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज करने से ये 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, आखिरी शेल ये रह जाएगी और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ड्यूप्लेट बन जाएगा। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करें, पर ये दोनों ही प्रोसेस फीजिबल नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है ये काम होना। भाई आप 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज गेन कहो तो कर लें, 4 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करना इज अ बिग डील, कार्बन ऐसा काम नहीं करेगा। तो कार्बन क्या स्टार्ट करता है, कार्बन स्टार्ट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही गेन करेगा, इनफैक्ट शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा, कैसे शेयर करेगा, तो इस बात को समझने के लिए जरा हम लोग हाइड्रोजन का फॉर्मेशन देखते हैं, H2 का फॉर्मेशन। ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 कैसे बनती है। तो हमने यहां हाइड्रोजन का एक एटम लिया, यहां हाइड्रोजन का एक एटम लिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और ताकि ड्यूप्लेट हो जाए, इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और ताकि ड्यूप्लेट हो जाए। तो ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आया, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आया। इसने कहा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं, और इसने कहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे अब ये दोनों के हो गए। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल मतलब बराबरी से, मतलब ये जो भी बिजनेस हो रहा है बराबरी का हो रहा है ना, तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो हम भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, साथ में बॉन्ड बनाएंगे। इन्हें क्या जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉन की, इन्हें भी क्या जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉन की, तो इन्होंने कहा हमारा वाला इलेक्ट्रॉन तुम रखो, तुम्हारा वाला हम रखें, और अपना वाला भी हम रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की हम लोग क्या करने वाले हैं, शेयरिंग, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे नहीं रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन तुम भी रख सकते हो और मैं भी, शेयर कर लेंगे इसको, मिल बांट के खा लेंगे। इसने कहा हम भी तुम्हारे साथ इलेक्ट्रॉन मिल बांट के रख लेंगे। अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यार, बॉन्ड का नाम तभी आता है जब एटम्स कंबाइन करते हैं। यहां पे 2 एटम्स कंबाइन कर गए हैं, मतलब इनके बीच में कोई एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। यहां एक और नाइट्रोजन ले लेता हूं, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2.5 2.5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो बना लेते हैं नाइट्रोजन बनाया 1 2 3 4 5। यहां एक और नाइट्रोजन बनाया 1 2 3 4 5। सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखा रहे हैं। इन्हें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इन्हें भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेंगे ठीक है, तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं, मेरे 3 इलेक्ट्रॉन तुम रख लो।
तो ये हुई म्यूचुअल शेयरिंग, बराबरी से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स की, थ्री इलेक्ट्रॉन्स कि तीन इलेक्ट्रॉन तुम हमारे रख लो, तीन इलेक्ट्रॉन हम तुम्हारे रख लें और जो हमारे थे वो भी हमारे ही होंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इस नाइट्रोजन के बारे में सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3, तीन पेयर शेयर हुए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तो यहां हम नाइट्रोजन बनाएंगे, यहां नाइट्रोजन बनाएंगे, ये पहले पेयर की शेयरिंग, दूसरे पेयर की शेयरिंग और ये तीसरे पेयर की शेयरिंग। तो यहां पे 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल है ऑक्सीजन का, O2, ऑक्सीजन गैस O2। तो एक ऑक्सीजन यहां लिख लिया, एक यहां लिख लिया, इलेक्ट्रॉन होते हैं एट, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2.6, 8, तो 2.6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इधर एक और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इनको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ताकि ऑक्टेट बना ले। तो ये बोलेंगे तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लेता हूं, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तुम शेयर कर लो। अब गिनो इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की, बराबरी से शेयरिंग की, म्यूचुअल शेयरिंग की ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। इन्होंने भी 2 दिए, इन्होंने भी 2 दिए। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिखा, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर की शेयरिंग हुई, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन में भाई हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 1, और इसको शेयर किया इन्होंने। अब इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बना है, एक ही लाइन खींची है, एक ही पेयर शेयर हुआ है, सिंगल कोवेलेंट। 2 पेयर शेयर हुए हैं, डबल कोवेलेंट, 3 पेयर शेयर हुए हैं, ट्रिपल कोवेलेंट। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। अब यार कोवेलेंट बॉन्ड की एक खास बात है कि जहां पे भी आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखेगी ना, जहां पे भी आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाई पड़ेगी जिन कंपाउंड्स में, है ना, उन कंपाउंड्स को, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स की 2 मेन प्रॉपर्टी समझो। पहली प्रॉपर्टी ये है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बातें जनरली है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, जनरली ऐसा ही होगा। पहली चीज, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है, और दूसरी चीज ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। जैसे हमने अभी O2 देखा, हमने अभी N2 देखा, हमने अभी H2 देखा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ना, ये वीक बॉन्ड होता है, दिस इज अ वीक बॉन्ड।
मतलब ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हैं ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, आप इसको हीट दोगे तो ये आसानी से टूट जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉइल कर जाएगा, वेपर में चला जाएगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकते हैं, दे आर वेरी वीक बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कोई भी केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब उसके पास आयंस प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, आयंस, जब किसी के पास कैटायंस और एनायंस होते हैं तो वो चार्ज को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कंपाउंड करंट क्यों कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज का कंडक्शन, तो चार्ज तभी चलेगा जब उसे ले जाने वाला कोई प्रेजेंट हो। चार्ज को ले जाने के लिए कौन होता है, कैटायंस और एनायंस होते हैं जो चार्ज को अपने ऊपर रखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर दे देते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट नहीं होते, आयंस आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इट इज अ वीक बॉन्ड। तो दो प्रॉपर्टी याद रखो कि एक तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, दूसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट, कहां आयंस है, देखो इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं, एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट नहीं। जैसे मान लो जब NaCl बनता है तो Na प्लस और Cl माइनस, इसमें क्या प्रेजेंट है, आयंस। ये कौन सी बॉन्डिंग थी, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन के कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टीज जब एनालाइज की, जब हमने कार्बन के कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी तो हमें यही दोनों प्रॉपर्टीज दिखी, एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि कार्बन के कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी अंदर, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चल रहा होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कैसे हुआ, आइए कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन के और देखते हैं। चलिए हम कार्बन का सिलेबस में आपको जो सबसे पहला कंपाउंड है वो बनाते हैं जिसको बोलते हैं मिथेन। मिथेन का फॉर्मूला CH4, तो एक कार्बन है चार हाइड्रोजन, तो ये कार्बन बना लिया और इसको चारों तरफ हाइड्रोजन से घेर लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1। तो कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन में चार हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, चार और चाहिए भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करनी है कि नहीं, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, तो इसको चार और मिल जाएंगे तो ऑक्टेट बन जाएगी, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक और मिल जाए तो ड्यूप्लेट बन जाए। कैसे होगा ऐसा, कैसे होगा, तो हाइड्रोजन तो यहां से आएगा बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन हम आपका शेयर कर लेते हैं, ठीक है, यहां से भी आएगा ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा मैं आपका शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला भी आया बोला मैं आपका शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आया बोला एक शेयर कर ले बोरा, ठीक है। अब कार्बन की बारी, कार्बन ने कहा तुम सबका एक एक शेयर करेंगे, एक 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 एक। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। इस कार्बन हाइड्रोजन को देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाली साइकिल में आया और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसकी साइकिल में चला गया, मतलब इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनी है अब इस वाले के, एक दो, इस वाले के गिनी है, एक दो, इस वाले गिनी है, एक दो, इस वाले गिनी है, एक दो,
इस वाले गिनी है, एक दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनी है, ये कार्बन की मैंने शेल बनाई, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनी है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, वन टू थ्री फोर, एक यहां शेयरिंग हुई, एक यहां शेयरिंग, एक यहां शेयरिंग, एक यहां शेयरिंग, और ये बने चार कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग, और इसको हम बोलते हैं मिथेन। जैसे हमसे कोई कहे, इसको साइड में अपन बना लेते हैं मिथेन के स्ट्रक्चर को, सी एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, इस लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन, इस लाइन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने, ऐसे। जैसे हमसे कोई कहे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है, एनसीईआरटी में सवाल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। एक कार्बन है बीच में रख लिया, दो ऑक्सीजन है साइड साइड में रख लिए, कार्बन एक है बीच में रख दिया, दो ऑक्सीजन को साइड साइड, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ये लिखा है मेरे पास 6, तो 2.4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2.6, तो कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन, तो मैंने एक काम किया, दो इलेक्ट्रॉन इधर बनाया, दो इलेक्ट्रॉन इधर बनाया, कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन थे, दो इधर दो इधर, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको दो और चाहिए, तो इसने कार्बन के ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, अब ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन को देखो, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन को देखो, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन थे, पर दो यहां से शेयर किए, दो यहां से शेयर किए, 8 इसके पास भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन ऐसे उठा लिए, ऑक्सीजन ने ये वाले, और ये वाले ऑक्सीजन ने ये वाले, स्ट्रक्चर बनाया सी, ये कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास है, कार्बन के थे शेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के थे शेयर हो गए, कार्बन के देखो 1 2 3 4, और ये ऑक्सीजन वाले शेयर हो गए 5 6 7 8, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया।